शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च, मोमबत्ती के उजाले में प्रसूता महिलाओं और नवजात बच्चे की जान जोखिम में डालकर डिलीवरी कराई जा रही है। मामला शिवपुरी जिले के पोहरी विकास खंड के झिरी उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर मोबाइल टॉर्च और मोमबत्ती के उजाले में प्रसूताओं की डिलीवरी कराई जा रही है, जिससे जच्चा बच्चा की जान को खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि झिरी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिजली लाइन खराब होने से ऐसे हालात बने हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल की बिजली लाइन पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से खराब पड़ी है। इसकी शिकायत यहां पदस्थ एनएम के द्वारा बिजली विभाग के सुपरवाइजर सहित पोहरी बीएमओ शशांक चौहान को की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं कराया गया। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की प्रसूताएं महिलाएं और नवजात बच्चों की जान पर संकट बना हुआ है। लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे मच्छर खा रहे हैं और यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या है मामला? ये क्या है मामला? ये लाइट नहीं है तो पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे? लाइट क्यों नहीं? आपने बीएमओ साहब को सुपरवाइजर लाइट आती थी, पानी भी अच्छा था, टंकी वंकी रखनी, सारी व्यवस्था थी। कुछ दिनों से लाइट नहीं। कब से नहीं आई लाइट? करीबन मुझे एक हफ्ता होने जा रहा है। तो आपने बीएमओ साहब को अवगत कराया? कराया था। सुपरवाइजर साहब को बताया? सुपरवाइजर को एप्लीकेशन बना के दिए मैंने। लाइट का कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक? 2 दिन का बोला था मेरे से कि 2 दिन बाद लाइट आ जाएगी। तो आपको तो डिलीवरी में दिक्कत आ रही होगी, डिलीवरी करने में भी आ रही है। डिलीवरी रेफर कर रही है, जाती नहीं है डिलीवरी रेफर करने के लिए। अभी भी डली है डिलीवरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा जी। आप कौन से पद पे हो? एएनएम के पद। एएनएम हो आप? गर्राशोनी।